नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम हमेशा भूटिया डॉग से रिलेटेड ही वीडियो डालते हैं, और काफ़ी सुंदर ये जो ब्रीड है हमारी, उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर, नेपाल और तिब्बत साइड की जो नेटिव ब्रीड है, काफ़ी सुंदर, खूबसूरत और काफ़ी इंटेलिजेंट ये ब्रीड होती है। और कई कारण हैं इनके पीछे कि अब ये इनकी ओरिजिनल जो क्वालिटी है वो कम हो चुकी है। अब इन्हें ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम है, जो अच्छी लाइन के ढूंढने हैं, फिर ढूंढने से उनसे लाइन तैयार करना एक काफ़ी बड़ा टास्क है अपने आप में। तो हमने अभी लाइन बनाने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे डॉग का कलेक्शन किया हुआ है, जो कि अमर कैनल में रखे गए हैं। यहाँ पर आपको 4 महीने से लेकर अभी तक 3-4 साल तक के डॉग रखे हुए हैं यहीं पे। और भी डॉग हैं जो इस वीडियो में नहीं दिखाए गए हैं, इनके अलावा भी कई डॉग रखे हुए हैं, कुछ रिलेटिव्स में दिए हुए हैं, ताकि हम इस लाइन को बचा सके। इस पर कभी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी NGO संस्था के द्वारा कभी इनको बचाने के लिए कोई काम नहीं किया गया। और इस ब्रीड की बात जहाँ तक हम करें, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी कि इतने सारे डॉग को एक साथ खाना दिया जा रहा है, लेकिन आप इनका डिसिप्लिन देख सकते हैं कि कोई भी एक दूसरे की थाली में या कोई दूसरे के खाने से कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है, जो जिसको दिया गया, चाहे वो चिकन हो। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी, मतलब एज की जो रेंज है, यहाँ पे 4 महीने से लेकर 4 साल तक के डॉग रखे हुए हैं, लेकिन कोई भी, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कोई किसी के खाने में इंटरफेयर नहीं करेगा कि तू खा रहा है या चिकन खा रहा है, कोई मटन खा रहा है कोई, या सिंपल खाना दिया जा रहा है। जो जिसको दिया जाएगा वो वही खाना खाता है। इनकी जहाँ तक हम बात करें इंटेलिजेंट की, इनकी जो ब्रेव होते हैं, ये बहादुर होते हैं, कभी भी जंगली जानवरों के साथ लड़ते हैं, अपने ऑनर के लिए काफ़ी वफादार होते हैं, जैसे कि हम सभी वीडियो में पहले से भी बताते हैं। तो हमारी इंडिया में जो इस तरीके की ब्रीड है, काफ़ी अच्छी ब्रीड है ये, इंडिया की नंबर वन भी कह सकते हो, आपकी इंडिया की नंबर वन ब्रीड है। और हमने हमेशा दूसरों की ब्रीड को प्रमोशन दिया है, अपनी ब्रीड को नहीं किया है। यही चीज़ जब बाहर की ब्रीड है, वो जब इस तरीके के डिसिप्लिन में उन्होंने प्रमोशन दिया है, तो हमें वो चीज़ें खरीद कर हमें लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में होते हैं। ये सब चीज़ें कहने की बात होती है, हमारे यहाँ इतना टाइम नहीं है कि हम इन डॉगों को अभी सर्च भी कर रहे हैं और इतना टाइम देके इन्हें हम इन्हें ट्रेंड करें, लेकिन ये सेल्फ ट्रेंड है। सभी के सभी अपने, जब तक इनको खाना दिया नहीं जाएगा तब तक ये इंतज़ार करेंगे। अगर आप बात करें किसी अदर ब्रीड की, तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन भी है, लोगों ने 2-2, 3-3 ब्रीड मिक्स करके किसी चीज़ को तैयार किया हुआ है। उनके रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं उनका टेम्परामेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी इनकी बात करेंगे तो ये नेटिव है, नेचुरली ब्रीड से ये तैयार डॉग है, और काफ़ी इनके साथ छेड़खानी कर दी गई है अपने बिजनेस के लिए। इनके साथ काफ़ी छेड़छाड़ करके इन्हें काफ़ी भारी भरकम बनाया गया है, जिससे कि इनमें लेजीनेस आती है, ये काम तो प्रॉपर कर नहीं पाते हैं और एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। आप इस चीज़ में देख सकते हो कि कितना डिसिप्लिन से ये रह रहे हैं, एक दूसरे के खाने में कोई इंटरफेयर नहीं, जबकि ये बच्चा, कोई बच्चा भी होगा उसमें, कोई बड़ा भी होगा, लेकिन किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं करता है। साथ ही इन डॉग को आप घर पर रख सकते हैं, इनके साथ साथ में आप दूसरी किसी भी ब्रीड को अगर कोई पेट पालना चाहते हो तो आप रख सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर बचपन से इनके साथ कैट वगैरह भी रखते हैं, गोट रखते हो, बकरियाँ रखते हो, गाय भैंस कुछ भी रखते हो, तो ये काफ़ी लॉयल होते हैं उन चीज़ों के लिए। घर में बहुत लोगों ने मुर्गियां भी रखी होती है, तो उनकी रखवाली करना भी इनका काम होता है, ऐसा नहीं कि ये मुर्गियों को पकड़ेंगे। काफ़ी सारी खूबियां हैं इन भूटिया डॉग, जो इन्हें लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाले ये डॉग। आप एक बार इसे घर में ज़रूर रखें, शायद ही आपको कभी दूसरी कोई ब्रीड रखने का ज़रूरत लगेगा आपको। थैंक यू दोस्तों।